नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। हिंदी माह कार्तिक में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख शांति व घर में संपन्नता के लिए पति से विरत रहकर एक माह तक व्रत रखती हैं और प्रातः काल नदियों और तालाबों पर जाकर स्नान करती हैं, जिसे कार्तिक स्नान के नाम से जाना जाता है। पुराने रीति रिवाज और धार्मिक परंपराओं के अनुसार इन्हें गोपियां माना गया है, जिन्हें इस महीने में ग्वालों द्वारा छेड़ने का रिवाज है। जैसा कि कृष्ण अपने ग्वाल मित्र मंडली के साथ गोपियों को परेशान करने और छेड़खानी करने की लीलाएं करते थे, भगवान कृष्ण की रास लीलाएं आज भी परंपराओं में हैं। और कार्तिक माह में स्नान को जाने वाली महिलाओं को पुरुष संगीतमय ढंग से छेते हैं, जिनका जवाब संगीतमय तरीके से ही महिलाएं देती हैं, जो बहुत ही कर्णप्रिय और मधुर लगता है। ऐसा ही कार्यक्रम पिछले दो दिन से बबीना मेन रोड पर एक मिठाई की दुकान के संचालक द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें आज कस्बे के समाज सेवी पहलवान संजय राय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें महिला एवं पुरुष गायक मंडलियों को सम्मानित करते हुए प्रसाद का भी वितरण पहलवान संजय राय समाज सेवी द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम रसीना के बल्लू एंड पार्टी को खैलार के किन्न चांदनी द्वारा नगद राशि से पुरस्कृत किया गया। संगीत का यह कार्यक्रम बबीना मेन रोड पर करीब 2 से 3 घंटे तक चला, जिसमें पुरुष और महिलाओं की पार्टियों ने कर्णप्रिय संगीत के साथ एक दूसरे के सवालों के जवाब गा गा कर दिए। Oh,